नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आज इवनिंग एमएन इंडिया मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू इवनिंग एमएन इंडिया मीटिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डू हार्टफुलनेस मेडिटेशन मीटिंग, हार्टफुलनेस मेडिटेशन विद डॉक्टर अर्चिता केतन मैन मैम। मैं डॉक्टर अर्चिता केतन मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमें हार्टफुलनेस मेडिटेशन के लिए मैम ने मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अर्चिता मैम, ओवर टू यू मैम। आई हैव मेड यू अ कोच, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते नमस्ते सभी को, गुड नमस्ते इवनिंग। मैम, वेलकम मैम। थैंक यू भैया, हाउ आर यू? नाइस मीटिंग यू अगेन। वी आर डूइंग वंडरफुल मैम, वी आर डूइंग वंडरफुल। एमएनडी का मतलब होता है मैं नहीं डरता और मैं नहीं डरती। ओके, दैट इज सो नाइस टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। सो इंग्लिश इज ओके और हिंदी भी चलेगा, वॉट एवर suits everyone. मैम हिंदी में करवाइए, ज्यादातर हिंदी में बेटर रहेगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ओके। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं शुरू करती हूँ एक छोटी सी बात से। हम लोग सब जब बात करते हैं तो पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, करेक्ट? स्वास्थ्य, क्या कोई स्वास्थ्य की डेफिनेशन बता सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करके? स्वास्थ्य के क्या मायने होते हैं? अनम्यूट करके कोई बता सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं तो भी आई कैन रीड। आपके मतलब से स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? हाँ, कोमल जी कुछ कह रही हैं क्या? कैन द पार्टिसिपेंट्स कैन अनम्यूट? या मैम, आई हैव गिवन देम ऑप्शन टू अनम्यूट। आप सभी अनम्यूट करके कोई भी अपना जवाब दे सके। ओके, तो आप हमें अनम्यूट करके बोल सकते हैं मैम मैम कि आपके मैम साथ से... मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जी स्वास्थ्य जी का मतलब मैं मुझे जितना मालूम है हमारा बैलेंस बिटवीन अवर माइंड बॉडी सोल and the all the chakras in our body, wonderful balance between everything, wonderful wonderful। अगर हम इस वर्ड को तोड़े, बहुत सिंपली भैया ने बता दिया कि हमारे सारे जितनी भी फैकल्टीज हैं उनके बीच में एक बैलेंस है, एक हार्मनी है। बट इफ अगर हम इसको और इजी बनाएं और हम स्वास्थ्य वर्ड को तोड़ दे बीच से, स्व और स्थ, स्व में स्थित वो स्वास्थ्य है। स्व क्या है, कौन सी जगह है ये स्व जहाँ पे हमें स्थित होना है या जहाँ पे हमें रहना है? तो जैसा भैया ने भी बताया कि हमारे अलग अलग बॉडी के अंदर भी चक्रास हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे जोन्स हैं हम कह सकते हैं। तो मोटा मोटा हम तीन क्लासिफिकेशन समझते हैं। एक हमारी फिजिकल बॉडी है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जहाँ पे डिजीज जहाँ पे है और डिजीज का एक्सप्रेशन जहाँ पे है, वो हमारी सब फिजिकल बॉडी है। फिर उससे अंदर आते हैं हमारी सूक्ष्म बॉडी, फिजिकल बॉडी से अंदर सटल बॉडी,
जिससे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो जो भी पेन है, जो भी सफरिंग है, जो भी दर्द है, वो सूक्ष्म बॉडी में रहता है। अंडरस्टूड? क्योंकि जैसे आप इसे ऐसे समझिए कि जब हमारे को एनेस्थीसिया देते हैं, तो हमारा बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाता है। पेन फाइबर्स अभी भी हैं और वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन हमको पेन महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे मेंटल और फिजिकल के बीच में एक बैरियर लगा है एनेस्थीसिया का। तो हमारे मेंटल तक वो पेन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा। हमारा जहां से भी हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, उस पार्ट तक पेन नहीं पहुंचता। तो वहां पे हमारा जो सटल बॉडी है वो काम करती है। जहां से भी हम अंदर मानसिक रूप जो हम बोलते हैं, वो हमारी सटल बॉडी है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी हमें लगता है हम सबसे कम चर्चा करते हैं, क्योंकि शरीर और मन चल रहा है सिर्फ एक ही की वजह से, और वो है हमारी सोल, हमारी आत्मन। जो हमारा आत्मन जो कि कंटिन्यूअसली उस सोर्स से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, हमें जोड़ने की भी नीड नहीं है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जहां से हमको पावर मिल रहा है, जहां से हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है, जिस एनर्जी को हम मेंटली पहले एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसको फिजिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस, अपने हाथ पैर, जिसके जीन्स जैसे हैं वैसा एक्सप्रेशन है। किसी को, किसी की हाइट 5 फिट है, किसी की हाइट 6 फिट है, ये सब बाहर तक आते आते चेंज हो जाता है, क्योंकि जीन्स में चेंजेस हैं। तो जो हमारे सबसे अंदर वाला सोल है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम कहाँ है? फिजिकल बॉडी को तो कोई पता, कुछ पता नहीं है कि पेन है कि नहीं है, कि कुछ भी नहीं पता है। सटल बॉडी को पता है, मन को पता है यहाँ पे ये हो रहा है। हमारी बुद्धि जो है ना, वो हमारे अंदर सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है। कि जैसे हम गूगल करते हैं, लेट से फॉर एनी थिंग, और वही चीज हमारे साथ होने लगती है। ये बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यू है जो हम सब फेस करते हैं, कि हमने गूगल किया नहीं और हमें हुआ नहीं वो प्रॉब्लम। या जैसे कोविड का टाइम था, हम मोस्टली हम गूगल से या न्यूज से या मीडिया से अफेक्ट होके हमें कोविड का एहसास हो रहा था, जबकि हमारे घर में नहीं आया होगा तब तक, बट डर हमारे पास पहले आ गया। रीजन बीइंग कि हमारा माइंड उसको पहले ही तैयार कर लेता है, सारे अपने फिजिकल उसको भी तैयार कर लेता है उस तरीके से। तो जो माइंड और जो सटल बॉडी है हमारी, वो कनेक्शन भूल गए हैं। सोल का जो कनेक्शन ऑलरेडी है, वो उसको भूल गए हैं। तो हम मेडिटेशन के थ्रू अपने मन को याद दिलाते हैं कि देखो, तुम्हारा असली सोर्स, असली पावर का सोर्स, असली सारी क्वालिटीज, सारे एट्रीब्यूट्स, सारे पोटेंशियल का सोर्स बाहर नहीं है, अंदर है। तो हम मेडिटेशन इज द इजिएस्ट टूल जिससे कि हम सोर्स की तरफ अपने मुंह को मोड़ सकते हैं, अपने मन को मोड़ सकते हैं। और मन को लोग कहते हैं, जैसे बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि मेडिटेशन का मतलब है कि आंख बंद करके बैठना है और कुछ सोचना है, क्योंकि मन का काम तो सोचना ही है। हम आंख बंद करते हैं तो हमको सुबह शाम दिन रात सब कुछ सोच चलती रहती है हमारे मन में, नहीं? तो कैसे इसको बोले कि भाई ये सोचना है, ये नहीं सोचना है? तो इसलिए जब हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन की बात करते हैं, तो मन है एक खिलौने की तरह, एक बच्चे की तरह, उसको खिलौना चाहिए चाहिए, उसको एक विचार चाहिए। तो हम उसको एक विचार दे देते हैं कि तुमको ये सोचना है, सोचना बंद नहीं करना है, ये सोचना है। बट एक नई सोच हम उसे पकड़ा देते हैं हाथ में, और जब वो नई सोच के बारे में सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, तो हमारे जाने अनजाने ऑटोमेटिकली अपने आप हमारा ध्यान फिजिकल बॉडी से ऊपर उठ के, मेंटल बॉडी से ऊपर उठ के, बिल्कुल जो हमारी कॉजल बॉडी या सोल कह सकते हैं, वहां तक पहुंच जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। क्योंकि हमने रास्ता उसको बता रखा है ना कि रास्ता है ये। तो ये प्रैक्टिस आप सभी के लिए
मुझे लगता है बहुत हम सभी के लिए, मैं आपकी अलग से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ, हम सभी के लिए ये प्रैक्टिस इतनी यूजफुल है, ये टेक्निक्स इतनी इजी हैं, सिंपल हैं एंड इफेक्टिव हैं। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बैठना है थोड़ी देर, अपने मन को ये कह के कि चलो जितनी देर तुम्हारा मन करे तब तक हम बैठेंगे, और ये सोचेंगे कि हमारे हार्ट में तो ईश्वर है ना, हम जानते हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं उनके बारे में कि है आप, तभी तो हम इस धरती पर हैं। हमारा रोल एज अ ह्यूमन बीइंग वो यही याद रखना था और है कि हम एक डिवाइन सोर्स से जुड़े हुए हैं, एक डिवाइन बीइंग है जिसको एक फिजिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं। किसी को कैसे एक्सपीरियंस है, किसी को मानसिक रूप में तकलीफ है, किसी को शारीरिक रूप में तकलीफ है, बहुत सारे वो अलग अलग चीजें हैं। हाय बरखा, आई कैन सी यू नाउ। ओके, तो जो भी हमारे मन को शांति दे, क्योंकि जो पावर सोर्स है उसका एक ही स्वरूप है, प्रेम। और हम जानते हैं ना, हमें प्रेम की अनुभूति से सबसे ज्यादा शांति मिलती है। याद करिए वो पहला मोमेंट जब आप अपनी माँ के पेट में एक एम्ब्रियो के बीच में एज अ सोल आप एंटर किए होंगे, याद भी नहीं होता हमें वो पल, वो 9 महीने हम भूल जाते हैं, बट वो कितनी शांति भरा समय था। उसके बाद भी मुझे लगता है कि बचपन बहुत हमारा शांत होता है, बहुत सिक्योर्ड फील करते हैं हम, बहुत सेफ फील करते हैं। और उसका एक रीजन है, बहुत साइंटिफिक रीजन है, कि हमारा जितना भी माइंड है वो स्टेबल कंडीशन में होता है, वो उतल पुतल में नहीं रहता, वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं होता, उसको केवल एक कनेक्शन पता है, मैं मेरी माँ, बस दैट्स इट। तो जो ये कनेक्शन है, क्या हम इसे दोबारा एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, जब हम आंख बंद करते हैं हम उस फेज में जाने की कोशिश करते हैं कि जब हम एकदम छोटे बच्चे थे, या जब हम एक सोल थे, एक कण थे, एक अणु थे, तब हमें कैसा महसूस हो रहा था। तो हम बस अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारे दिल में वही आज भी है, हमें बस याद करके उसको एक्सपीरियंस करना है। तो मुझे ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करने का अभी ऐसा मन नहीं है इसके आगे। अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चंस हो तो हम डेफिनेटली उसको डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन सिट फॉर मेडिटेशन फॉर सम टाइम, 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। मैम आपने बहुत अच्छी बात की। मैं मेरी माँ और बहुत बहुत बढ़िया है वो। वाह वाह, बहुत बढ़िया गए। पर बात आपको और एक बात बताऊं, सॉरी, बोलिए नवनीत जी। नहीं, आप बोलिए किन भाई, किन भाई, आप बोलिए, आप बोलिए। मैम आपको और एक बात बता दो, आपने बरगम मैम को याद किया और मैंने उनको तुरंत स्पॉटलाइट कर दिया। हाँ, तो बिल्कुल। वही होता है, इट इज लाइक एल्गोरिथम ऑफ गूगल और फेसबुक। हम उसका ही चीज ऐड आती रहती है, उसकी मैसेजेस आते रहते हैं। धन्यवाद मैम। वी कैन नवनीत जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए नवनीत जी। जैसे कि मैं गया था हरिद्वार पतंजलि वेलनेस सेंटर में, तो वहां पर यज्ञ चिकित्सा, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा सब करवाए, ट्रीटमेंट दिए, पंचकर्म वगैरह सब बढ़िया है। आके मैंने घर पे जो है वो जैसे प्राणायाम वगैरह चालू करा, मेडिटेशन चालू करा, पर ना मैं 1 महीना करा, 2 महीना करा, 3 महीना करा, यानी मैं 3 से 4 महीने तक करा, पर मैं किसी चीज से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई मेरी, यानी टिल टुडे। कैसा है कि यानी पॉजिटिव विचार आते हैं और मैं सोचता भी हूँ कि भाई मैं ठीक हो रहा हूँ, और ठीक होने के बाद जो है वो मुझे और भी लोगों को हेल्प करनी है या कहीं सेवा देने जाना है,
तो ये विचार अभी से नहीं, ये तो मेरे स्टार्टिंग से ही रहते हैं, पर इस समय मेरे और बढ़ गए, कुछ मंत्र वगैरह याद कर लिए। तो ये सब चीजें करते करते भी अभी तक ना कुछ जुड़ाव नहीं हुआ। जैसे कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन से आपको एकदम आप जुड़ जाते हो, ईश्वर से जुड़ जाते हो, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो, पर अभी तक मेरे को ना किसी भी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। और दिन पे दिन जो है वो डाउन होती गई, तबीयत खराब होती गई, तो उससे फिर वो 4 महीने के बाद ना विश्वास भी खत्म होना चालू हो गया कि ना कोई चक्रा है ना मेडिटेशन काम करता है, सिर्फ आपकी किस्मत काम करती है जो ऊपर वाले ने लिख के भेज दिया है आपको, तो भाई आप के साथ में ये चीज होनी है और वो चीज होगी, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई आप बदलोगे अपने हाथ से, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो भगवान का लिखा हुआ है, क्या बदलेंगे। यानी इतना करने के बाद भी अगर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब ये सब चीज करने का, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे योगा हो, चाहे जो भी हो। एक नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं तो नवीन उससे भैया, ना ओवरकम कैसे करूं। मेरे को ना आज भी जैसे पिनाकिन भाई से मिलने के बाद थोड़ी सी मेरी हिम्मत बढ़ी, मैं लिटरली बताऊं, पर मेरे को ना अभी भी मैं अनसिक्योर हूँ, इनसिक्योर महसूस करता हूँ, वो जुड़ाव नहीं आ पा रहा है, चीजें सब पूरी छूट गई है, चाहे प्राणायाम योगा मेडिटेशन सब ईच एंड एवरीथिंग छूट गई है, मन एकदम खराब टाइप का हो, तो विश्वास नहीं हो पा रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिमाग बस एक ही चीज चलती है कि ये ठीक होने वाली नहीं है, कोई भी चीज सब लिखा हुआ है वही होगा। नवनीत जी, नवनीत जी, इसके लिए तो मैंने ये सेशन रखा है, आपका विश्वास बढ़े और आप अपने खुद पे विश्वास कर सकें। नवनीत भैया के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है, और जब वो बोल रहे थे भैया आपकी बात नहीं है, एक मतलब दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, एडल्ट्स की मैं बात करूं, सबको इनसिक्योरिटी है, सबको, वन एंड ऑल। कैसे ठीक होएगी इनसिक्योरिटी, या जो आप कहते हो कि हमारा मन नहीं लगा ध्यान करने में, कुछ दिन तो हमने रूटीन में दवाई की तरह कर लिया, फिर आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो एक बहुत बड़ा वर्ड जो आपने बोला, विश्वास। विश्वास हमको, अभी आपने उसका आंसर भी खुद ही दिया कि आपको पिनाकिन भाई पे बहुत विश्वास हुआ, मतलब आपको हिम्मत बंधी उनसे, राइट? हाँ, इन्हें थोड़ा इंस्पायर इंस्पायर हुआ मैं। इंस्पायरिंग जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना अगर हम याद करें कि एक दोहा है ना कि गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये हम सब जानते हैं। हम सब चाहते हैं हमारा असली घर पहुंचना, हमारा असली घर है, अगर हम सोल तक की बात कर रहे हैं, हम सबको सोल के पास पहुंचना है, हम सबको गॉड के पास पहुंचना है, ईश्वर के पास पहुंचना है, लेकिन हमारे रास्ता नहीं है हमारे पास। रास्ता दिखाने वाला जो गुरु है वो हमारी मदद बहुत ज्यादा करते हैं, और गुरु, सही गुरु की पहचान और सही गुरु पे विश्वास करना भी एक कहते हैं ना, चुटकियों का खेल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। जब हमें 1% फायदा लगता है ना, कोई दवाई भी आप खाते हैं जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं, तो आपको डॉक्टर भी कुछ सेलेक्ट करते हैं ना, इनकी दवाई हमें सूट कर रही है, इनकी नहीं सूट कर रही, सेम प्रोसेस, हमें किसी का बताया हुआ प्रोसेस सूट कर रहा है, उनकी बताई हुई बात सूट कर रही है, तो हमें उन पे भरोसा हो गया। हमें दवाई पे तो भरोसा हम क्या ही करेंगे, हमें इंसान पे भरोसा होता है। तो सेम तरीके से जब हम ध्यान करने शुरू करते हैं, अपने अंदर मन तक जाना शुरू करते हैं, तो हमें हमारे साथ कोई हाथ पकड़े हुए चाहिए। और हार्टफुलनेस में ये इतना खूब बखूबी मुझे लगता है प्रैक्टिकली है कि जैसे हम लोग ट्रेनर्स हैं तो हमारे साथ हम भी सीख रहे हैं, हम किसी का हाथ पकड़े हैं और हमने किसी और का हाथ भी पकड़ लिया,
चेन बन गई, किसी मुझे किसी और पे विश्वास है और मेरे पे शायद किसी और को विश्वास है। वो विश्वास की कड़ी जो बनती है ना, उससे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बरखा शायद इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस टच में जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें हमें एक भरोसा होता है कि वो तो है हमारे साथ। वो क्या करेगा नहीं पता, वो कैसे करेगा ये भी नहीं पता, उसके हाथ में भी है नहीं पता, लेकिन विश्वास हमारा अपना है और विश्वास से ही सारा काम चल रहा है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर जो जब हमें कुछ भी महसूस होता है तो हम ये ढूंढते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है। तो जब हमें कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता तो हम उसमें खो जाते हैं कि अरे पता नहीं बस हो रहा है, थोड़े दिन अच्छा लगा फिर नहीं अच्छा लगा। बट अगर हम उसमें कोई चेहरा ले आए, कोई इंसान ले आए, या कोई अपना दोस्त बंधु साथी ले आए जिसके साथ हम चले जाएं, हैंड होल्डिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे आप कर रहे हैं सबकी, तो हैंड होल्डिंग करके हम सब एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, राइट? बरखा कुछ ऐड ऑन करेगी क्या? विश्वास की जो बात की चारवी ने, वो विश्वास को ही मैं आगे उसको और ले जा रही हूँ कि जैसे अगर मैं सोचती हूँ, अगर मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करूंगी, अभी शायद नवनीत सर नाम था उनका, अगर मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करूंगी तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी ना। जैसे ये बीमारी जो है जिसके लिए हम यहाँ पे सारे लोग, ये जितने लोगों को डिजीज है वो तो है ही है, पर इनके जितने भी घर वाले हैं वो सारे उतना ही सफर कर रहे हैं। जितना मेरी मम्मी सफर कर रही है उतना ही हम भी डेली हैं, तो चारों जी से तो मैं पर्सनली मिलते हैं, तो हमारी अक्सर इस बारे में बात तो होती है कि मम्मी की तबीयत ऐसी है। मुझे लगता है कि मैं हर दूसरे दिन परेशान होती हूँ, और उस परेशानी में और उसमें हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्राइंग वाला सिचुएशन तक आ जाती है कि मैं रो भी रही हूँ, पर मुझे ये पता होता है कि 15 मिनट रोने के बाद भी मेरे पास मेरे मास्टर हैं। मैं रात में 9 बजे उनसे अपनी बात बता दूंगी कि देखा नहीं था मैं रो रही, परेशान थे, आपको दिखता नहीं क्या? तो मैं किसी को तो कह रही हूँ, मुझे कुछ तो विश्वास है उनपे, अगर वो भी नहीं होंगे तब फिर क्या होगा? तो ये चीजें, ये चीज मैं सोच के मैं क्या कहते हैं, मैं उनको एज अ मतलब वो नहीं मानती, मैं उन्हें एज अ मदर अपने प्यार करती हूँ। जो हमारे मास्टर है मैं उनको एज अ मदर प्यार करती हूँ, और सिर्फ मानना ही होता है कि मैं उन्हें बहुत मान रही हूँ। मानिए नहीं, जब आप उन्हें प्यार करने लगेंगे अपने गुरु को, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे। अब मेरा ये हो गया है, तुम ही देखो, ये जब सिचुएशन हो जाती है तुम ही देखो, मुझे नहीं पता है, मेरा यही हो जाता, फिर वो देख लेते हैं। मैंने बहुत सरेंडर एक्सपीरियंस, हाँ जैसे कहते हैं दादी फुल सरेंडर, तो जब मैं बहुत चिढ़ जाती हूँ कि मेरा मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है, मम्मी को बार बार कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, इतनी ठंड भी है, वो बहुत परेशान है, तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे से नहीं हैंडल होता है, फिर मैं कहती हूँ अपना खुद देखो जाके। मैं रात में डेली 9 बजे बताती हूँ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर मुझे अगले दिन कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, मिलता चलो सुन रहे हैं कुछ तो ये देख रहे हैं। अगर मैं उनको मतलब उनको अगर या जिसको भी जो मानता है, कोई कृष्णा को मानता है, कोई लॉर्ड शिवा जिसको भी मानता है, उसके पास कोई तो है, तो किसी ना किसी पे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा ना। जिसका भी ये क्वेश्चन था मैं नाम नहीं पता, तो विश्वास को आपको बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मास्टर से बेटर जो है मुझे कोई भी नहीं दिखा। पिछले 2018 से जब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, उनसे जो मेरा कनेक्शन बना उतना अच्छा मेरा किसी से कनेक्शन नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे वो आके ऐसा लगता है मुझे खुद बता रहे हैं। मेरे मन में जो क्वेश्चन आता है, अभी मैं जब हैदराबाद गई थी पढ़ना, तो मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा था तो वो मैंने मास्टर से ही पूछ लिया, और मैं देख रही हूँ कि अगले दिन पूरा का पूरा सेशन मेरे क्वेश्चन पे, मतलब मास्टर ने 10-15 मिनट उसी पे बोला। तो आप ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा, किसी ना किसी पे बनाना पड़ेगा आपको। मैं बरखा की बात में कुछ ऐड ऑन कर रही हूँ, छोटी सी बात, कि जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमें सबसे ज्यादा विश्वास अपनी माँ पे होता है, सबसे ज्यादा। मतलब मेरी माँ तो बेस्ट है ना, चाहे कैसी भी माँ हो, दूसरे उसे परख सकते हैं लेकिन एक बच्चे के लिए मेरी माँ से ऊपर कोई नहीं, जो बरखा एक्सप्लेन कर रही है छोटी से वर्ड्स में। बट ये कनेक्शन बना कैसे? अब हम इतने बड़े हो गए हैं, 50 साल के भी हैं, कोई कोई मुझे दिख रहा है कोई 40 के होंगे, कोई 50 के होंगे, कोई 60 के होंगे। आज की उम्र में
कैसे ये विश्वास, ये बचपना हम अपने अंदर लेकर आए, तो उसके लिए हमें एक कदम चलना है, सिर्फ एक कदम। हम 7 दिन तक, मैं सबसे कम टाइम बताती हूँ, 7 दिन तक अगर हम रोज ध्यान करें और ऐसा मन में ये विचार रखें कि बस ईश्वर आप मेरी मदद, मतलब आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मेरे को गुरु से मिलवाइए, या जो भी मेरे सामने कोई हाथ, मुझे मेरा हाथ किसी के हाथ में पकड़ा दीजिए। और मुझे लगता है कि दावे के साथ हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, किसी के लिए किसी रूप में होगा, किसी के लिए हो सकता है वो समझ पाए, हो सकता है ना समझ पाए। इनफैक्ट बरखा से भी एक बार मैंने ऐसे ही ये बोली कि बहुत टाइम से थोड़ा परेशान थी, तो बोली दीदी कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मैंने कहा तुमको पता नहीं है पिछले 3 महीने में तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, बट तुम उसे देख नहीं रहे हो। हम एज अ दूर बैठ के हमें दिखाई पड़ रहा है कि उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये विश्वास का खेल है, और विश्वास हमारे अंदर हमें जगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हम आज कोई गोली नहीं खा लेंगे कि हमें फेथ हो जाए किसी के ऊपर, है ना, हम दवाई नहीं खा सकते इस चीज की। सो वी हैव टू वर्क अपॉन इट, और वर्किंग का सबसे आसान तरीका जो बताया भैया कर लो, है ना। हमको पता है कि प्राणायाम से हमारे लंग्स क्लियर होंगे, हमें नहीं दिख रहे कि आज क्लियर हो रहे हैं कि कल क्लियर होंगे, 20 साल बाद पता चलेंगे। तो हमें, हम इतना ही तो करते हैं कि आज जो बताया जा रहा है वो कर लें, फिर देखा जाएगा आगे का। तो आज डेफिनेटली हमारा पर्पस ये है कि हम जुड़े रहें। उसके अलावा एक और एडिशन कर रहे हैं कि बहुत सारे आज की डेट में मेडिटेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, सेशंस होते हैं यूट्यूब, बहुत जगह आपको मिल जाएगा कोई भी चीजें, बहुत सारी। हार्टफुलनेस की एक खास खूबी कह लीजिए, या जिसके ऊपर हार्टफुलनेस आधारित है, वो है प्राणाहुति। और प्राणाहुति वेदों की एक टेक्निक है जिसमें कि हम अपनी कहते हैं ना लाइफ फोर्स, हम दूसरे को पहुंचा सकते हैं। तो जो लिविंग मास्टर हैं, जो लिविंग गुरु हैं, उनका काम है कि वो अपनी लाइफ फोर्स या जो नेचर की डिवाइन एनर्जी है वो आप तक पहुंचा सकेंगे। तो इसके लिए उन्होंने पूरे दुनिया भर में 15-20 हज़ार ट्रेनर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, वॉलंटियर सर्विस के तरीके से कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई पर्सनल गेन नहीं है। सिर्फ ये गेन है कि जो प्यार विश्वास मेरे अंदर जगा है वो शायद कल आपके चेहरे पे दिखाई पड़े। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि एक भी दिया हमने अपने दिए से जला लिया तो मतलब हमारे जीवन सफल हो गया ना। दिए से दिया ही तो जलाना है, बस और करना क्या है। वो एक बैठे हैं, वो अपने एक दिए से लाखों करोड़ों दिए जला रहे हैं, तो हम एक तो जला ही सकते हैं। जैसे आप लोग एक दूसरे को हिम्मत बांध रहे हैं, वो यही है, हम अपनी ही तो एनर्जी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। बेसिकली आप एक दूसरे को देख के हिम्मत आती है ना हमको कि चलो ये भी इसी कंडीशन में, तो हमें भी हिम्मत है, हमारे साथ हम अकेले नहीं है, बहुत सारे हैं, ऐसे ही सभी के साथ है। तो हमारा बस इतना ही ये सेशन रखने का बस यही था मकसद कि हम अपनी वेलबींग के बारे में, अपनी ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, कि हम कैसे अपने स्व को, अपने अंदर स्थित, अपने आप को अपने स्व में कैसे स्थित कर सकते हैं, वो हमें करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ी सी प्रैक्टिस, छोटी छोटी प्रैक्टिस। आप सभी को बताने में मतलब मुझे लगता है कि अगर घर वाले भी सुन रहे हैं तो हार्टफुलनेस की एक ऐप है जो मोबाइल पे, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे ही फ्रीली अवेलेबल है, और उसमें बहुत सारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं सेशंस हैं, ऐसे छोटे छोटे। नींद नहीं आ रही है, आप उसमें 2 मिनट का लगा के सुन सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं अपने आप को। पेन मैनेजमेंट है उसमें, मन बहुत विचलित है तो उसके लिए छोटे 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 ऑडियोज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ट्रेनर के साथ आप एक सेशन फिक्स करें, जो भी आना चाहे बस आएंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे, चले जाएंगे। और वो ध्यान ट्रांसफॉर्मेटिव है, इट इज नॉट कि बस हमने किया और टाइम वेस्ट हो गया, वो ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स होती जा रही है, क्योंकि एम्स दिल्ली
ने पूरा एक स्पिरिचुअल मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट अभी इनॉग्रेट किया है लास्ट ईयर, सॉरी दिस ईयर ओनली, और वो लोग इस पे हार्टफुलनेस के साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे फिजिकल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे मेडिटेशन वर्क कर रहा है. तो साइंटिफिक भी है, रिपीटेबल भी है, डुएबल भी है, और अपने घर के आराम से भी कर सकते हैं, कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कर सकते हैं. तो करके देखें तो मुझे लगता है कि ज्यादा इसका इम्पैक्ट पता चलेगा, राइट? ओके, सो अब हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा आगे? इट इज ऑलरेडी 6 o'clock. व्हाट वुड यू? तो नेक्स्ट जब भी हमारा या मैम, दो अभी मैम दो अजिता मैम, कैन वी डू अ स्मॉल मेडिटेशन राइट नाउ? यस यस यस, ऑल राइट. ओके, तो मैं अभी मैम जब मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ, अगर हम विश्वास की घड़ी को बढ़ाते हैं हमारी जीवन की घड़ियां भी बढ़ जाती हैं. ओके, तो हम शुरू करें क्या? थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे. मैं अपना ऑडियो बंद कर लेती हूँ, सॉरी वीडियो बंद कर ले रही हूँ, सो दैट इट इज इजी फॉर मी. ओके, मेरी आवाज आप सबको आराम से सुनाई दे रही है? आप लोग सब आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखों को बहुत हल्के से बंद कर लें. एक गहरी सांस लें और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं. महसूस करें कि हमारे पैरों की उंगलियों से धरती माँ की पवित्र ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और हमारे पूरे शरीर को, एक एक कण को रिलैक्स कर रही है. यह ऊर्जा धीरे धीरे हमारे पंजों में, एड़ी में, पैरों के निचले भाग और हमारे नीज तक पूरी तरह से फैलकर बिल्कुल आराम दे रही है. धीरे धीरे ये एनर्जी हमारी थाइज, वेस्ट और हमारे शरीर के निचले भाग को आराम दे रही है. हमारी पीठ, पूरी रीढ़ की हड्डियां, मसल्स, नर्व फाइबर्स पूरी तरह से आराम में जा रहे हैं. ये ऊर्जा हमारे एब्डोमेन और चेस्ट एरिया को भी भर रही है. धरती माँ की इस आरोग्यकारी, निरोगीकारी ऊर्जा को हम अपने कंधों से, अपने बाजुओं में, हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों के पोरों तक बहता हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे कि हमारे शरीर के सारे अंग आराम में जा रहे हैं.
ऊपर बढ़ते हुए हमारी गर्दन, गले के आसपास के सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। हमारा चेहरा, जॉज, मुंह, नाक, आंखें, कान, सर के पीछे से लेकर माथा और सर के शिखर तक, ये ऊर्जा हमारे शरीर में पूरी तरह से भर गई है। धरती माँ की ये ऊर्जा हमारे एक-एक सेल को, एक-एक ऑर्गन को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है, उसको आराम पहुंचा रही है। हम इस ऊर्जा में लय होते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। अपना ध्यान अब हम अपने हृदय की ओर लेकर आए और महसूस करें कि हमारा हृदय किस तरह से इस ऊर्जा को, हमारे जीवन को, पूरे शरीर में, हर एक सेल में पहुंचा रहा है। ये वो सोर्स की जगह है जहां पे हमारा आत्मन, हमारी सोल रहती है। इस शांत वातावरण में हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, सेफ, सिक्योर्ड फील कर रहे हैं, पीसफुल, काम फील कर रहे हैं। ये विचार लें कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश पहले से ही मौजूद है और वो हमें अपनी ओर खींच रहा है। अपने आप को उस ईश्वरीय प्रकाश की ओर, उस ईश्वरीय प्रकाश के स्रोत की ओर आगे बढ़ने दें। अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। और कुछ देर अपने आप को उस ईश्वरीय प्रकाश में लय होने दें।
भी है भाई साहब, मैं चंद्र ही है लेवल ना टाउन में अपना होगा। हाँ, हम अपने आप को आराम की अवस्था में महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे इस अवस्था को महसूस कर रहे हैं कि हमें कैसा लग रहा है, हमारे अंदर क्या हमें महसूस हो रहा है। हम धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आ सकते हैं, अपनी आंखों को बहुत धीरे से खोल सकते हैं। जो भी हम महसूस कर रहे हैं इतनी देर में, जो हमने महसूस किया उस भाव में, उस फीलिंग में, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा देर बने रहें।
अगर आप में से कोई शेयर करना चाहते हो कि आपको कैसा महसूस हुआ, तो आप कर सकते हैं। मैम तो मेरा माइंड है ना, मेरे जो थॉट जो होते थे ओवर थिंकिंग, वो कम हो गया, थॉटलेस हो गया, माई माइंड बॉडी एंड सोल गेम टू, मतलब उसमें पीस आ गया। एंड वो ही था, मतलब एकदम ऐसे हम एक अकेली जंगल में शांति से बैठे हैं, कोई आसपास नहीं है परेशान करने वाला। एंड वी आर लाइक यू नो डिवाइन सेल्फ, वी आर फीलिंग डिवाइन सेल्फ एंड वी आर कनेक्टिंग अवर सेल्फ विद अवर सोल कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि हम आईने में अपने सोल को देख रहे हैं, तो यही फीलिंग मुझे हुआ। बाकी तो दूसरे हमारे ग्रुप मेंबर अपना कोई भी अनम्यूट करके अपना फीडबैक या सजेशन आपको कैसा लगा बता सकते हैं। थैंक यू पिनाकिन भैया। मैं जैसे जब भी मेडिटेशन करता हूँ, जैसे अभी मैडम ने करवाया, लग बहुत अच्छा रहा था और पूरी फील महसूस कर रहा था, पर एक आध मिनट 2 मिनट के बाद में नहीं मालूम ना, मेरे को ना एक कनकनाहट सी यानी अजीब टाइप की एक फीलिंग चालू हो जाती है कि मुझे एहसास होता है कि अब मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। मैं ध्यान में हूँ पर मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ और अब मुझे कुछ अजीब टाइप का लग रहा है जो कि मेरे को परेशान कर रहा है। और फिर वो जो चेन रहती है वो टूट जाती है ध्यान की। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ में होता है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे और भी भाई आपने मेडिटेशन करवाया और भी मेडिटेशन जैसे करवाते हैं तो बोलते हैं जो विचार आ रहे हैं ना आपको वो आने दो, सोचते जाओ और जो भी है ना। पर ना मुझे नहीं मालूम ये ऐसा क्यों होता है, बाकी लोगों के साथ में ये चीजें होती है कि एक अजीब टाइप की फीलिंग। और जैसे अभी जैकेट मुझे नहीं सुहा रहा है, ऐसा लग रहा है उतार के फेंक दूं, इन्हें एक अजीब सा लेवल आ जाता है। या तो एनजाइटी मेरे इसमें ज्यादा है उसके कारण है कि मेरा पैर अभी व्हीलचेयर के फुटरेस्ट पे था, करते करते एकदम अचानक से उसमें पावर लगा, मुझे फील हुआ और मैं महसूस करते हुए घुटने से फिर ऊपर तक पूरा जा रहा था, तो जैसे ही कमर स्पाइन वगैरह पे पहुंचा तो ऐसा लगा कि अब मुझे पैर नीचे रखना चाहिए, मुझे अजीब सा कुछ लग रहा है, एकदम एक एनजाइटी महसूस होती है। तो ये मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, रात की भी उठ जाता हूँ नींद टूटती है उसके बाद इतना परेशान होता हूँ कि फिर मुझे नींद नहीं आती है। भैया इसका एक ही जो आप बोल रहे हैं, ये जो भी शुरू करते हैं उनके साथ बहुत कॉमन है ये। और आज मुझे मतलब ऐसे 18 इयर्स के अराउंड हो रहे हैं मेडिटेशन करते हुए, और तब भी मुझे ऐसा महसूस होता है। मतलब मैंने बहुत कम उम्र से शुरू किया था, व्हेन आई वाज 17 आई स्टार्टेड मेडिटेशन, और तब भी आज कभी ऐसा होता है कोई दिन कि मन नहीं हो रहा है या आंख बंद करके बैठे, क्योंकि बैठना है, डिसिप्लिन है, कहा है तो हमें फॉलो करना है, ये हमारा डिसिप्लिन है, बट नहीं मन कर रहा, नहीं बैठने में अंदर से अच्छा लग रहा है, या किसी से लड़ाई हो गई या कुछ बात आ गई अपने मन में तो उलझन चल रही है। ये ह्यूमन नेचर है और तभी हम सब ह्यूमन है और ये ऐसा होता ही है, इसमें कोई घबराने की और बैकआउट करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा होता है तो उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, और सॉल्यूशन ये है कि हम कम समय से शुरू कर सकते हैं, रादर देन कि हम 15 मिनट सोचें कि हम इकट्ठा बैठेंगे, हम 5 मिनट बैठेंगे, लेट्स सी। क्योंकि मन के लिए भी ये जो स्पेस है ये एकदम नया है, मन को आदत नहीं है आंख बंद करके बैठने की, हमारे शरीर को आदत नहीं है ना, कभी हमने बैठाया नहीं उसको, तो इसके लिए कितना डिफिकल्ट है। आप लेफ्ट हैंड से कितना लिख लिख पाएंगे अगर आप राइट हैंडेड हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट।
ये एक एक प्रो टिप है कि हमें हमेशा ना कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ब्रेन को चैलेंज दें। आज आप सबके सामने एक एक चैलेंज है जो कि शायद मेरे समझ से भी बाहर ही होगा, क्योंकि कभी आपको कैसी तकलीफ हो रही है, कभी कैसी तकलीफ हो रही है, और मन एक्चुअली चैलेंज में है। मन को समझ में नहीं आ रहा, ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे कॉम्बैट करें। तो हम, आप थ्री इडियट्स तो सभी ने देखी है, हम बोलते हैं ना अपने दिल को ऑल इज वेल ऑल इज वेल, बट यही विश्वास हमको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उठाना है। डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, हमारी हिम्मत और हमारा जोश सिर्फ इस बात में होना चाहिए कि आज चलो नहीं हो पाया, कल तो ट्राई तो करेंगे, कल 2 मिनट और बैठ के देखेंगे, घड़ी से 2 मिनट और। ये करते जाते हैं जब हम जैसे जैसे, तो इट इट उसका जो इफेक्ट है वो हमको बैकलॉग में दिखाई पड़ने लगता है। जब आप 3 दिन करेंगे तो आपको पहला दिन बहुत अच्छा लगेगा कि पहले दिन का जो असर है वो आज मुझे महसूस हो रहा है, कि मैं जो 3 दिन मैंने किया मुझे आज महसूस हुआ उसका असर। आप 3 साल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये असर कितना कंसिस्टेंटली मुझे महसूस हो रहा है, और 30 साल करेंगे तो फिर सोचिए। वो करते जाते हैं क्योंकि ये अनंत सागर है, इसमें कोई टॉप लिमिट नहीं है कि यहाँ तक पहुंच गए तो बेड़ा पार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब उसी नैया में, हम सब उसी सागर में गोते लगा रहे हैं। हाँ, बस ये है कि एक अपने बगल वाला, एक अपना साथी, एक अपना प्रिय मित्र, एक अपना गुरु ऐसा हमें दिख रहा है जिसके ऊपर हमारी नजर टिकी हुई है, और बस उसी के सहारे हम चल रहे हैं। हमें पता है बस वो संभाल लेगा हमको, हमें लगता है बस वही विश्वास और वही साथ एक मनुष्य जीवन का आधार है, हर रिश्ते का आधार है। तो जो आपने बोला बहुत ही, मतलब ये मुझे लगता है 99 नहीं 100% लोग ये महसूस करते हैं। आप कह पा रहे हैं, 99% लोग नहीं कह पाते कि आपको डिस्टर्ब फील हो रहा है, अचानक से उलझन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि हमारे मन को आदत नहीं है। एज सिंपल एज दैट, आपको लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत नहीं है तो आपको उलझन होगी, समझ गए ना? बहुत छोटी सी बात है। तो आदत डालने की बात है, आदत डालने का क्या तरीका है? 7 दिन करके देखते हैं, फिर 14 दिन करके देखते हैं, फिर 21 दिन करके देखते हैं। 21 दिन कर लिया तो आदत में आ गया, फिर 3 महीने करते हैं, ऐसे करते करते आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं। तो ये जब सपोर्ट सिस्टम है, हार्टफुलनेस का इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आपको जरूर, आपके आसपास कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा, ट्रेनर मिल जाएगा फिजिकली जो आपके साथ रह सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप बोलिए, वीकली इंडिविजुअली हम लोग सिटिंग्स कर सकते हैं, मतलब इसको हम सिटिंग बोलते हैं, जो मेडिटेशन सेशन हुआ तो हम लोग सिटिंग्स कर सकते हैं। सब कुछ भूल के सिर्फ सिटिंग करनी है, बैठना है आंख बंद करके, जो होता है होने देते हैं ना, क्या करना, क्यों दिमाग लगाना कि ये ऐसा नहीं होना। वो भी हमारा प्रेजुडिस है कि ऐसा ही होना चाहिए। अब कुछ भी नया होता है तो हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, ओके। सो आई एम वेरी सॉरी कि एक्चुअली मुझे लीव करना पड़ेगा, बिकॉज मेरी एक दूसरी मीटिंग 6 o'clock से थी, तो हमें थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चंस हो आप लोग के साथ हम दोबारा जुड़ सकें तो इट विल बी माय प्लेजर। ओके, जाने से पहले मैं अर्जिता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैम, यू टू गॉट डायमंड गेम फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच मैम। और इनडायरेक्टली आपने ये भी बता दिया कि आपकी एज 35 है, और आप इतने 35 के लगते नहीं हो। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबको देख के मुझे बहुत बहुत प्यारा फील हो रहा है, और मैं बरखा से, बरखा ही की डांट थैंक यू मैम। लगेगी अब कि मुझे जल्दी जल्दी क्यों नहीं बुलाते हो। ओके, थैंक यू ओके मैम, सब लोग, थैंक हम यू सब मैडम, स्वस्थ थैंक रहे, यही एक यू मैम। इच्छा प्रार्थना अभी है। थैंक यू, धन्यवाद मैम। अभी नमस्ते। बरगा बरगा मैम को बोलना चाहता हूँ। बरगा मैम, आप आइए ऑनलाइन और थोड़ा अपना ज्ञान बांटे। मैं जानता हूँ बरगा मैम है ना, इतना मैं बोल सकता हूँ कि बरगा मैम अपने घर की सूत्रधार है।
अपने खुद के घर की बरगम एम सूत्रधार है। एंड व्हेन आई कनेक्टेड विद बरगम एम आई फाइंड आई फाउंड आउट अ सोल कनेक्शन एंड शी इज वेरी गुड एट हार्टफुलनेस। आपको मैं सबको बोलना चाहता हूँ बरगम एम के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में आप देखिए, हार्टफुलनेस उन्होंने कितना बढ़िया मेडिटेशन करवाए। बरगम मैम अभी नाउ द स्टेज इज योर, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, मम्मी को आप कैसे केयर कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। वो मेरे बारे में आप काफी कुछ बता चुके हैं और जैसा आपने कहा यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हुई है पिनाकिंग सर के थ्रू, तो वो देख लीजिए। और ये मैं थोड़ा सा नवनीत सर से मैं बात करना चाहूंगी, आप चाहे तो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो ये आपको आपका ये जो दिक्कत जो आपके आई, इसका कितना टाइम लगभग हो चुका है? ये अराउंड 2 साल हो गया मैडम। 2 साल हो गया। तो जब आपके ये आई थी ये डिजीज आपको आई या ये प्रॉब्लम जो भी है आपको आई, तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या था? मेरे तो पैर के नीचे से जैसे बोलते ना धरती खसक गई। मुझे लगता है और सारे लोग ही ये का यही हाल होगा, जो लोग जितने भी ग्रुप में हमारे हैं सबका यही होगा, सबका रिएक्शन यही होगा ना। सब लोग सर कहे नहीं था, सब लोग मेरा 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 ये था जब मम्मी को डिजीज आई तो मैं 2 घंटे की हमारी जर्नी थी जहाँ से हमने डायग्नोस किया था, 2 घंटे तक मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया था कि अभी हम करेंगे क्या, जबकि घर में मेडिटेशन होता है, इतना अच्छा एटमोसफेयर है, बड़े सब ईमानदार है सब कुछ है, पर ये लगा कि पता नहीं कौन से कर्म है ये सामने आ रहे हैं, ये वो लोगों ने का कर्मा है वो रिटर्न हो रहा है, तो इधर का तो कोई कर्मा वर्मा नहीं दिख। फिर कहा नहीं ये सब भगवान वगैरह बंद करो, मंदिर शट डाउन कर दिया, पूजा वूजा सब बंद, बड़ा भक्ति भाव मेरा था, हार्टफुलनेस भी बंद कर दिया, जबकि मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैंने सब बंद कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद मैं डिप्रेस होने लगी, मेरा ये हो गया, मैं 4 महीने तक मम्मी की वजह से डिप्रेशन में रही। आप अभी भी मेरी आवाज में वो चीज फील कर पा रहे होंगे कैसा रहा होगा मुझे वो फील। 4 महीने तक डिप्रेशन में रही और मेरा वो डिप्रेशन का ऐसा था कि मुझे ही देखना है इनको, अगर मैं डिप्रेशन में देख सकती हूँ तो देखो, अगर मैं खुद को हेल्दी रख के देख सकती हूँ तो देखो, देखना मुझे ही है, बाकी किसी का भी घर में ऐसा कोई सपोर्ट मतलब सपोर्ट क्या, लोग उस तरीके से नहीं दे पा रहे थे घर में, शायद डिजीज को उतना क्रिटिकल नहीं समझ रहे थे जितना मैंने उसको समझ लिया था। फिर 4 महीने बाद मैं उठी, मैंने एकदम से एक दिन अचानक से हुआ कि नहीं अभी तो उठना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने अपना विश्वास हार्टफुलनेस के थ्रू, बहुत मुझे मदद मिली, मैंने बनाया, मैंने मास्टर से अपने लगातार बात की, हम जैसे सोल टू सोल कनेक्ट करके बात करते हैं, तो मैंने उसी डिवाइन लाइट से बात की कि भाई प्रॉब्लम दी है जितना भी जिस लेवल तक ले जाना है किसी को, जैसे फिर तब तक कुछ ही दिनों मुझे जवाहर सर से मेरी बात हो गई। आप सभी लोग जवाहर सर को जानते होंगे, जहाँ तक नहीं जानते आप जरूर बात करिएगा, क्योंकि आपका जो क्या है मैं जो देख रही हूँ ना, जैसे मैं शुरुआत में परेशान थी उसी तरह आप मतलब आप मेडिटेशन में जो आप चीजें बता रहे हैं वो इससे नहीं लगती, क्योंकि आपका शरीर और आपके दिमाग में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके शरीर की समस्याएं आपके दिमाग को वो चीज करने ही नहीं दे रही है, क्योंकि आप 4 चीजें जो कर चुके हैं पहले वो, जैसे आपने कुछ भी किया, आपने मेडिटेशन किया, आपने योगा किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला। हम जनरली यही चाहते हैं कि हम अगर मंदिर में जाएं और हम 11 रुपए का भी प्रसाद चढ़ाएं तो हमको उस 11 रुपए का कुछ रिटर्न चाहिए, ऐसा होता है। तो मैंने भी खूब प्रसाद चढ़ाया, सब कुछ किया, पर कुछ नहीं मिला, मैं भी बहुत परेशान हुई। फिर अभी की हालत यह है, 3 साल के अप्रोक्स मेरी मम्मी की डिजीज हो गई है, और अभी मैं उनको दिखाऊंगी, उनके भाई भाभी आए हुए हैं तो बहुत खुश हैं, बैठी हुई हैं उनके साथ, तो मैंने उनको हैंडल कर रखा है, उनकी आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं है, पर हमको ये फील नहीं होने देते कि आपकी आवाज नहीं है। और ये हमने एक जब हमने जवाहर सर का वीडियो देखा और उनसे खुद से मैंने जब बात की, तो मैंने कहा इनको भी बल बढ़ता, मैं उनके अलावा किसी को नहीं देखती, मैं किसी को देखती नहीं हूँ कि कोई बेड रिटन है या कोई थोड़ा चल रहा है, कोई ज्यादा चल रहा है, किसी का हाथ नहीं उठ रहा, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि कौन ठीक है,
किसने किसने कहाँ से उठ के कहाँ तक कर लिया। उनका ये हो गया था कि वो बेड रिडन भी थे, बोल भी नहीं पाते थे, खाते थे वो खाना एक एक रोटी 2 घंटे में खाते थे। वेट उनका 15-20 किलो के करीब कम हो गया था। तो मैं सिर्फ एक इंसान को देखती हूँ और मैं कहती हूँ मेरे को ऐसा ही बनना है, और मम्मी को बोलती हूँ यही बनना है, और किसी को मत देखो, कुछ मत देखो। दुनिया में अच्छा खराब भी है, इसी तरह डिसीज में कुछ लोग अच्छे जा रहे हैं, कुछ लोग जो ध्यान नहीं दे रहे वो नीचे भी जा रहे हैं। और ऊपर नीचे तो आजकल तो हमारे घर में इतना ऊपर नीचे बना रहता है कि उनका डेली का कॉन्स्टिपेशन है, डेली का मेरा सर दर्द। मैं सुबह 5 बजे से उठ जाती हूँ, 12 बजे सोती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि वो जूता चप्पल नहीं पहन पाते हैं तो उनको ठंड लग जाएगी, तो उनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चलता ही रहता है, टेंशन ही रहती है। फिर पर ये मुझे पता है कि 1 घंटे टेंशन के बाद मुझे उसी पूरी चीज से फिर मैं उनको वही फूड देना, वही उनका प्रोटीन देना सब में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो विश्वास अभी भी बना हुआ है। और वो विश्वास जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लूंगी, जवाहर सर वाला, सिर्फ मेरा एक गोल है कि मुझे वही हालत अपनी मदर की लानी है जो जवाहर सर ने एकदम जमीन में गिर के उनकी हालत हो गई थी, कि वो जमीन में थे, बेड पे थे, और उनको सलाइवा निकलता रहता था, हाथ नहीं उठता था, सब कुछ था। पर वो आज, मतलब आज हमारे लिए मोटिवेशन बने हुए हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हमने क्या, मतलब उनके पास क्या है, उनके पास तो थोड़ी है कि कुछ बहुत ज्यादा है, बस उनका पार्टनर बहुत अच्छा था। एक चीज उनके पास थी, अब मुझे मेरी मदर का पार्टनर समझ लिया जाए, केयर टेकर समझ लिया जाए, कुछ एक इंसान हमारे पास ऐसा होता होना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाए। और वो एक इंसान ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल बीइंग होगा या मैं, वो हो सकता है मेरी मम्मी खुद, मेरे से पिनाकिन सर अपना खुद का इतना ध्यान रख रहे हैं। आज 6 साल की इनकी बीमारी हो रही है, सातवां साल आई थिंक कंप्लीट है आपका। तो इन्होंने खुद को इतना स्टेबल अगर कर रखा है कि हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अपने केयर टेकर है और सब कुछ है। तो आप उनको जवाहर सर के वीडियोस देखिए, बार बार देखिए। मैं उनका एक वीडियो कम से कम देख चुकी हूँ, 1 साल के अंदर नहीं होगा तो मैं 20-25 बार देख चुकी हूँ। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ मैं वही देखती हूँ कि ये कहाँ से कहाँ आ गए, मुझे मम्मी को यही लाना है। और एक चीज अपने दिमाग को बोल दीजिए, आपको जितने साल जीने का मन हो, जितने साल आपका जीने का मन है, आप अपने दिमाग को बोल दीजिए कि मैं इतने साल जी के जाऊंगा और हेल्दी जी के जाऊंगा या जाऊंगी। अपने दिमाग को समझा दीजिए, जैसे होता है ना, उसको बंद कर दीजिए कि मैं इतने साल के लिए आया हूँ और मैं जी के ही जाऊंगा, कोई कुछ भी कर ले, मैं हेल्दी होके दिखाऊंगा। आप हेल्दी होंगे, आपके दिमाग और शरीर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, इसलिए वो आपका मेडिटेशन आपको इरिटेट कर रहा है। आप क्योंकि आप उस मेडिटेशन के बाद ये चाहते हैं कि हमको कुछ मिल जाए, और तुरंत कुछ नहीं मिलेगा। ये मेडिटेशन हमारे अंदर जो है ऐसी स्थिति बना देगा शरीर की कि हम फुल एफर्ट से चीजें करने लगेंगे। कई कुछ लोग इसी में ऐसे होंगे हमारे ग्रुप में जो दवा खाने में भी छोड़ते होंगे, सप्लीमेंट खाने में भी उनको चिढ़ होने लगी होगी कि कब से खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो एक विश्वास बना के रखिए कि हमको जो है, क्या कहते हैं, हमको एकदम, हम जमीन में भी मेरी स्थिति, मुझे लगता है मम्मी की डिजीज कहाँ तक रहेगी। अभी इतनी बड़ी लास्ट ईयर तो ये अपने आप बात करती थी, अपने आप ये करती थी, वीडियोस देखती हूँ पुराने, फिर अभी क्या देखती हूँ स्थिति, पर डिमोटिवेट होती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं, ये यहाँ तक, जहाँ तक इस डिजीज को जाना है जाने, जहाँ तक मैं हैंडल कर पा रही हूँ करूंगी, बाकी मेरे मास्टर जाने, मैं चीजें कर रही हूँ, मुझे जवाहर सर वाली स्थिति लानी है अपनी मदर की। बस अपना दृढ़ विश्वास इतना बना रखा है मैंने कि मैं गिरने नहीं दूंगी अपनी मम्मी को। तो बस यही है मेरा कि अपने आप को बहुत, अब मोटिवेट कहो तो बड़ा वो लगता है कि बड़ा प्रोफेशनल लगता है, नहीं, अपना विश्वास बना के रखिए, और अपना जो जिसका भी लॉर्ड शिवा को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, कृष्णा को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, पर उसको इतना मानिए कि वो आपकी बात माननी पड़ेगी। बढ़िया मैम, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर गाइडेंस। आपने टाइम निकाला, डॉक्टर मैम को लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ग्रुप में सर, भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग हमारे साथ। वो जवाहर सर का वीडियो कौन सा है, हमें ग्रुप में भेजो ना। मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ओके आप ओके, ग्रुप हम में भी, डालिएगा हमें एक बार। भी इंस्पायरेशन आएगा। मैं सभी वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, आपको गुजारिश है आप बार बार देखिए, 10 बार देखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और मैंने जैसे बरगा मैम ने बोला मैंने तो डाल लिया है बॉस, 55 साल तो जीना है, भले 55 नहीं जिया लेकिन 55 साल पक्का जीना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम वापस ऐसे ही मिलेंगे। आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए और गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।